जो कर रहे हैं 48 घंटा का भूख हड़ताल ये है, इसमें हमारे यहाँ बिहार राज्य में महंगाई से त्रस्त जनता के परिस्थिति देखते हुए हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ओबीसी का आरक्षण लागू रहे इसके लिए बोल रहे हैं, कार्यालय निजीकरण नहीं हो, पेट्रोल की बढ़ती दाम जनता से ऊपर है तथा बाढ़ राहत का समुचित व्यवस्था उपभोक्ता के पास नहीं पहुंच रहा है, जिसकी आवश्यकता जिसको है नहीं मिल रहा है। और पप्पू यादव जी को आज 2.5 माह से उनके ख्याति से घबरा कर पलटू राम मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जेल में रखा गया है उसके विरुद्ध में हम लोग यह भूख हड़ताल किए हैं। और अगर पप्पू यादव की रिहाई अभिलंब नहीं होती है तो इसके बाद हम लोगों का कड़ा से कड़ा रूप लेते हुए पूरे बिहार में राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। यही मेरा और मेरे पार्टी का उद्देश्य है। हम लोग सेवादारी पर भरोसा करते हैं, जनता के साथ मिलकर कंधा में कंधा मिलाकर महंगाई का सामना करेंगे। क्या आपका पर्चा है? मेरा नाम विजय कुमार पांडे है, मैं जिला वरीय उपाध्यक्ष हूँ और राज्य अनुमंडल प्रभारी। बढ़ती हुई महंगाई है जिससे लोग त्राहिमाम की स्थिति में हो गए हैं। बाढ़ के नाम पर जो बाढ़ राहत के नाम पर भारी लूट खसोट नेता और पदाधिकारी के द्वारा किया गया है। निजीकरण के विरुद्ध में आप जो LIC को बेच करके आप किसी को व्यक्ति को आप लोन दे रहे हैं, क्या गारंटी है कि वो व्यक्ति लोन लेने के बाद इस देश में रहेगा कि नहीं रहेगा? आपको किसान का लोन माफ करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन उद्योगपतियों का लोन माफ करने के लिए आप LIC जैसी चलती कंपनी को बेचने का काम कर रहे हैं। आपने नीट के एग्जाम में OBC वर्ग के आरक्षण को अपने खत्म कर दिया इसके विरोध में, तथा सबसे अहम सवाल है कि आखिर बेकसूर गरीबों के मदद करने वाले आपकी पोल खोलने वाले बिहार सरकार की पोल खोलने वाले पप्पू यादव जी को 2 महीनों से अधिक दिनों से आप जेल में कैद की करके रखे हुए हैं। इन सभी मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन सिंह जी के नेतृत्व में आज हम लोग सभी पार्टी के छात्र और पार्टी के सभी नेतागण 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आप अविलंब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी को रिहा कीजिए, अन्यथा हम लोग अब आगे बड़ी आंदोलन करेंगे, उग्र रूप में आंदोलन करेंगे। आकाश कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष जन अधिकार छात्र परिषद, पूर्वी चंपारण।